हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इधर ना मैं बताने वाली फास्ट में ये नाश्ता बनाने के लिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी साबूदाना के बड़े हैं। अगर आप भूल गए हो ना गलाने के लिए, तो इधर आपको गलाना भी नहीं पड़ेगा साबूदाना, और बहुत ही झटपट से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आप ये नाश्ता बना सकते हो। सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये नाश्ता आप रेडी कर सकते हो। बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर मैं साबूदाना ले लेती हूँ, मीडियम साइज़ के जो साबूदाना होता है ना, बस वही लेना है। और इसको आपको पीसना है। तो इधर ना मैं ये ग्राइंडर जार ले लेती हूँ, इसमें हम डाल देंगे और इसको पीसेंगे। तो आपको बारीक पाउडर नहीं करना है, हल्का सा दरदरा ही रहना चाहिए, मतलब हल्का मोटा ही रहे। तो ये देखिए मैं पीस ली हूँ। तो ये देखिए ऐसे पीसना है, बहुत ही मतलब बारीक भी नहीं है और बहुत बड़े बड़े भी मतलब पीसेस नहीं है उसमें साबूदाना के। तो ये देखिए पीस लेती हूँ, और ये मैं आपको अब दिखा देती हूँ हाथों में भी ऐसा लेके कि कितने अच्छे से मतलब पीस गए हैं ये देखिए। अब इसमें हम और भी चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इधर डाल देंगे पानी, करीबन 4 से 5 स्पून हम इधर पानी डालेंगे, थोड़ा सा इसको सोक करने के लिए। करीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको सोक करेंगे, क्योंकि हम इसे इंस्टेंट बना रहे हैं, तो बस 1-2 मिनट के लिए ही बस रखेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए मिक्स कर लेते हैं हम इसको। सबसे पहले तो मिक्स हो गया है, अब इस तो ये फूल गया है। अब इसको क्या करेंगे ना, हम रख देते हैं थोड़ा सा फूलने के लिए मतलब। तो ये देखिए कितना पानी एब्जॉर्ब, मतलब जो पानी था ना वो पूरा सोख लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू। तो इधर मैं 3 आलू ले ली थी उबले, तो वो डाल देती हूँ, मैश कर ली थी अच्छे से। इधर मैं डाल दूंगी हरी मिर्च, तीखा आप अपने हिसाब से कर सकते हो कम ज़्यादा। इधर डाल देंगे हम हरा धनिया और ये भुना हुआ जीरा, थोड़ा सा हींग डाल देंगे और नमक डाल देंगे, फास्ट वाला भी डाल देना आप। उसके बाद इधर मिक्स कर लेंगे, और जो आप नहीं खाते हो फास्ट में वो आप स्किप कर सकते हो। वैसे जो चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ ये तो फास्ट में खाते ही हैं। और इसको ना आप अच्छे से गूथेंगे हम, मतलब डो जैसा हमें करना है। अगर आपका ना इधर बैटर या जो डो है ना ये पतला हो रहा है, तो इधर आप समा का आटा होता है, उसको फास्ट में खाया जाता है, वो आप ले सकते हो, इधर डाल सकते हो इसमें। तो इसको अच्छे से डो जैसा हम कर लेते हैं, मिक्स कर लेंगे, क्योंकि उबले आलू हैं तो बहुत ही अच्छे से मैश हो जाएंगे ये। तो ये देखिए मिक्स हो गया है अच्छे से डो जैसा। अब हाथों में तेल लगा लेंगे और इनकी हम टिक्कियां बनाएंगे, मतलब जैसे बड़े होते हैं ना साबूदाना के, बस वही हम बना लेंगे। तो मीडियम साइज के जैसे नॉर्मल होते हैं टिक्कियां, वैसी बना लेते हैं हम। तो ये देखिए मैं इतने टिक्की बना लूंगी, ज़्यादा बड़े या छोटे नहीं, मीडियम साइज के टिक्कियां बना लेंगे हम इधर। तो ये देखिए एक और हम बना के दिखा लेते हैं आपको, बहुत ही आराम से। आप इधर कोई और भी शेप बना सकते हो, मैं इधर मुझे यही सिंपल शेप अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही बना रही हूँ जो टिक्कियाँ के होते हैं बड़े के। तो ये बन गए हैं सारे, हम ऐसे ही बना लेंगे। तो ये 2 बन गए हैं, अब बना लेते हैं ये सारे, हम बना लिए हैं। अब इधर हमारा तेल भी गरम करने के लिए हम रख दिए थे, तो तेल भी गरम हो गया है, तो ऐसे हम डाल देते हैं। तो मेरे इस कढ़ाई में तेल पड़ा हुआ था, मतलब डला हुआ था, तो मैं इसी में फ्राई कर ले रही हूँ। तो इधर मीडियम फ्लेम में ही आपको गैस को रखना है, और पहले आपको नहीं इसको छेड़ना है, मतलब नहीं चलानी, टूट जाएंगे। जब ये हल्के से मतलब ऊपर से सेक जाएंगे ना, तब ऐसे आपको पलट पलट के अच्छे से गोल्डन कलर का होने तक फ्राई कर लेना है। तो इससे क्या होगा, अंदर भी अच्छे से ये पक जाएंगे। तो ये देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया है। अब हम निकाल लेते हैं ये बड़ों को, और बाहर से इतने क्रिस्पी है ना, देखने से पता चल रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना हुआ हमारा ये नाश्ता। पता नहीं चल रहा है ना कि मतलब इंस्टेंट साबूदाना के बड़े बना रहे हैं हम। तो ये निकाल लेंगे और सारे हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ कितना ज़्यादा क्रिस्पी है ये नाश्ता। तो ये देखिए ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। इधर थोड़ा सा लाइट वो हो गया था, उसकी वजह से दिख नहीं रहा अच्छे से। तो इसको मैं खाने वाली हूँ ग्रीन चटनी के साथ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।